दोस्तों क्या कोई इंसान मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। तो एक बार आचार्य चाणक्य को अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने बंदी बना लिया था और वो उन्हें इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत देना चाहता था, इसलिए उसने लोहे का एक भैंसा लाया और उसके नीचे आग लगा दिया। जब आचार्य चाणक्य को उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो वो बताते हैं कि मैं इसी मिट्टी में जन्म लिया हूं, तो मरूंगा भी इसी मिट्टी के साथ ही। ऐसा कहकर आचार्य चाणक्य ने वहां मौजूद गीली मिट्टी को अपने पूरे शरीर में लगा लिया और सिकंदर से कहा कि हां, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं मरने के लिए, अब मुझे इस तपते भैंसे में डाला जाए। फिर आचार्य चाणक्य को उस गर्म लोहे के भैंसे में डाला गया, जहां उन्होंने 4-5 घंटे तक लगातार चिल्लाया। फिर उनकी आवाज एकदम से बंद हो गई, जैसे वहां मौजूद सभी लोग ये समझ गए कि अब इसका खेल खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद आचार्य चाणक्य को उस भैंसे से बाहर निकाला गया और सामने ही बह रहे एक नदी में उनके बॉडी को फेंक दिया गया। लेकिन नदी में फेंकते ही लाश अपने आप ही वहां से गायब हो गई, जिससे सिकंदर हैरान हो गया कि आखिर लाश गई कहां। दोस्तों दरअसल आचार्य चाणक्य ने जिस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाया था उसमें अधाय धातु मिले हुए थे, जो आग से जलने पर भी नहीं जलते हैं। और महान आचार्य चाणक्य ने ऐसे सिकंदर को